जय माता दी। बीट स्पिरिचुअल में आप सबका फिर से स्वागत है। ये आप पार्ट टू देख रहे हैं। आपने पार्ट वन में देखा कि आपके रिश्ते में जो दरार आया वो किस तरीके से आया। अब हम देखेंगे कि जिन्होंने भी आपके रिश्ते में जो है आपको दुखी किया, उनको उनके कर्म का फल किस तरीके से मिलेगा, ये हम देख रहे हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग में तो देखिए बिल्कुल जैसे आया था पार्ट वन में, आपके मैरिज के समय में ही यहाँ पर हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी थी यहाँ पर। ठीक है, तो आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रही थी आपकी मैरिड लाइफ में। अगर आप मैरिड हैं या अगर आप किसी भी प्रकार से आप अपने किसी रिश्ते में मिले हैं मैरिज के समय में, या कम्युनिटी का कार्ड था पार्ट वन में, तो कहीं ना कहीं आप किसी समारोह में मिले थे, तो इस तरीके की एनर्जी है कि क्योंकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी ये देखकर उन्होंने यहाँ पर क्रिएट किया। तो कहीं ना कहीं जो डिवाइन इंटरवेंशन, हमने कहा यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ यहाँ पर। सबसे पहले जो है ना, आपके पर्सन को यहाँ पर समझाया गया, बताया गया कि आप अपने मैरिड लाइफ में कमिटेड रहिए, कनेक्ट रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ उसमें आपके पर्सन को ये बताया गया है कि आपके जो सोल पर्सन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, जैसे हम कहेंगे ना कि ये सारे लोग, देखिए फाइव ऑफ सोर्स में ये सारे लोग जो आपके लिए निगेटिविटी प्रोजेक्शन कर रहे हैं, सबसे पहले तो डिवाइन इंटरवेंशन में आपके पर्सन को ये बताया गया। फिर यहाँ पर जिन लोगों ने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया उनके लाइफ में आप देख रहे हैं किस तरीके की स्थिति है यहाँ पर। वो अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, वो अपने मैरिड लाइफ में, वो अपने फाइनेंस में, यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको नज़र नहीं आ रही एस ऑफ पेंटिकल से। वो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर, मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, उन्होंने यहाँ पर आपके पर्सन के जो इनमेच्योर बिहेवियर है उसका फ़ायदा उठाया और यहाँ पर उनको स्टक करने की कोशिश की, लेकिन अब उनके कर्मा का फल उनको एस ऑफ वॉन्ड से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, डिवाइन जी की ब्लेसिंग से, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, आपने जो प्रेयर किया था रोकर, वो प्रेयर आंसर हो रहा है और कहीं ना कहीं उनको उनके कर्मा का जो फल है वो मिल रहा है। उनके फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी चल रहा है, प्लस उनके फाइनेंशियल ऐसा लग रहा है कि वो, जैसे कहते हैं ना कि किसी से लेना, मतलब इस तरीके की स्थिति आ गई है कि वो किसी से मांग कर ये कर रहे हैं। और ये लगभग 4 से 5 मंथ ये हो गया है कि उनके लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव वो महसूस अभी कर रहे हैं। देखिए एक दी वर्ड का कार्ड, एक पूरा कार्मिक स्थिति उनके लाइफ में बन गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाए, ठीक है, कहाँ से वो मदद मांगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने किया ही ऐसा है, इस वजह से यहाँ पर वो किसी से भी मदद नहीं मांग सकते। इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस महसूस कर रहे हैं ये। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही है एस ऑफ कप से, वो इमोशनली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं कि वो अब प्रेयर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब इंसान दुखी होता है तो पूरी तरीके से, तो ऐसा ही यहाँ पर मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रहा है। देखिए पेंटिकल्स, वो इतने जगल कर रहे हैं लगभग फरवरी से और 2 महीने पहले, 2 वीक पहले उनके लाइफ में इतना स्टकनेस आ गया है। उन्होंने जो भी प्रोजेक्शन आपके और आपके सोल कनेक्शन के बीच में किया था, जो भी उनके माइंड के साथ, ठीक है, जो भी जगलिंग की थी, जो भी आपके बारे में उल्टा सीधा, जो भी आप नहीं हैं वो कहा गया था और जो आप हैं वो नहीं कहा गया था, जिस भी प्रकार से है ये ऐसी स्थिति यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी तो वो जगलिंग कर रहे हैं, अभी तो उनका कर्मा जो बैक है स्टार्ट हुआ है जून जुलाई के मंथ में, अगस्त में और भी ज़्यादा स्टक स्थिति उनके लाइफ में आने वाला है और पूरी तरीके से उनको उनके कर्मा का फल यहाँ पर मिलने वाला है। तो देखिए कैसे रीडिंग निकल कर आ रहा है कि आपके फैमिली से ही, आपके या आपके सोल कनेक्शन के करीबी, या तो उनके कार्य क्षेत्र से कोई थे, या कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि फैमिली से ही कोई ऐसे फैमिली, कार्मिक फैमिली कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। और आपके लिए यहाँ पर एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है यहाँ पर आपका और आपके सोल कनेक्शन का, क्योंकि आपके सोल कनेक्शन यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं डिवाइन जी से। उनके लाइफ में जैसे कि हमने देखा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, यही कारण था कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। फाइनेंशियल क्राइस से ये लोग गुजरने वाले हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, यह पूरा आप देख सकते हैं, आपको एक सक्सेस प्राप्त होने वाला है, आप लोगों को सक्सेस मिलने वाला है आगे आने वाले समय में। जिन्होंने भी ये सारी स्थिति क्रिएट की है,
जिन्होंने भी आपको और आपके सोल कनेक्शन को यहाँ पर स्टक करने की कोशिश की गई है, यहाँ पर निगेटिविटी प्रोजेक्शन के बाद ये सारी चीज़ें हुई है। इस वजह से आपके जो पर्सन है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो नहीं समझ पाए, आपकी वैल्यू नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन आप जब उनको समझ में आ रहा है कि उनको जिनकी वैल्यू करनी चाहिए थी, जिनका सम्मान करना चाहिए था, जिनकी बातों पर उनको चलना चाहिए था, अब वो पीछे पलट कर देख रहे हैं तो रो रहे हैं, क्योंकि आपने उनका हर एक जगह साथ दिया, हर एक स्थिति में आपने उनका साथ दिया, हर एक, जैसे कहते हैं ना कि एक मुश्किल समय में, संघर्ष के समय में आपने ही उनका हाथ थामा। यहाँ पर इसीलिए एस ऑफ वॉन्ड्स है, डिवाइन जी की ब्लेसिंग आप हैं उनके लिए, ये उनको अब समझ में आ रहा है। दृढ़ बनिए, कहीं ना कहीं आपके सोल पर्सन के लिए ये आपके जो कनेक्शन में हैं आप, उनके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है। धुनी यहाँ पर आपके लिए है, आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, आप सब कुछ बाबा जी की धुनी में डाल दीजिए। आपके पर्सन जितना ज़्यादा दृढ़ बनेंगे आपके लिए आगे आने वाले समय में, उतना ही ज़्यादा जो इनकी निगेटिविटी है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। और आप दोनों, और आपकी अगर आप सोल फैमिली में भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी सोल कनेक्शन में ही हो, सोल फैमिली में भी अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न या निगेटिविटी प्रोजेक्शन हुआ था, तो आप अपने सोल फैमिली से भी मिलने वाले हैं बहुत जल्द यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसी स्ट्रांग एनर्जी रिसीव हो रही, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आना, मतलब एस ऑफ वॉन्ड्स यानी डिवाइन जी की ब्लेसिंग। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। टेक केयर।